आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले भारत को आपका जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 8वीं बार चुना गया है, 21 और 22 के लिए, 2021 और 2022 के लिए। तो भारत अभी हाल ही में प्रवेश कर चुका है अस्थायी सदस्य के रूप में। आप लोगों को याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं, जिनमें से एक भाग आपका सुरक्षा परिषद भी है। यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और इसके अगर मुख्यालय की हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, एशिया में। यहाँ से आप जाएंगे अमेरिका, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ इसका मुख्यालय। और याद रखना चाहिए आपको कि इसका यूएन का मिशन कार्य यही है कि इसके जो चार्टर में निहित उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं उन्हीं पर काम करना। और इसके अगर हम प्रमुख भागों की बात करें तो महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, और आपका न्याय परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, इसके 6 भाग है, ठीक है, जिनमें से आपका जो सुरक्षा परिषद है ये भी एक इसका भाग है। चलिए सुरक्षा परिषद के बारे में और कुछ जानकारी है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया है, और परिषद में इसकी सदस्यता की अवधि 2 वर्षों अर्थात 2021 और 22 तक होगी। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि 8वीं बार किन किन सालों के लिए चुना गया है, तो 2021 और 2022 के लिए। इससे पहले कितनी बार चुना गया है और किस किस सन में चुना गया है, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है। और अगर आप आंसर लिख रहे हैं मुख्य परीक्षा में कहीं और, तब भी आप लोगों को इन पॉइंटों को याद होना चाहिए। अगर आप इन्हें सम्मिलित कर देते हैं तो आपका आंसर और प्रभावकारी हो जाएगा। UNCSC में भारत का योगदान, इससे पहले भारत ने 7 बार इस परिषद को अपनी सेवाएं दी हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। आप सभी लोग जानते भी हैं कि इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी है, जैसे आप जानते हैं चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये तो 5 स्थायी है, और इनके पास वीटो की शक्ति भी है। वीटो की शक्ति कहने का मतलब ऐसा कोई अधिकार कि अगर इनमें से 5 में से 1 भी किसी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, ठीक है, कोई एक सदस्य भी वीटो कर सकता है और उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। इसमें अन्य 10 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। जैसे भारत 8वीं बार चुना गया है तो आप देखेंगे कि 21 और 22 के लिए रहेगा, उसका उसके बाद भारत का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो पहली बार कब चुना गया था भारत? 1950-51 में, याद रखिए इस डेट को, 1950-51। UNSC को के अध्यक्ष के रूप में भारत ने कोरियाई युद्ध के दौरान युद्ध विराम और कोरिया गणराज्य की सहायता के लिए आमंत्रित प्रस्तावों को अपनाने हेतु इसका संचालन किया। फिर आप देखेंगे 1967-68 भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जनादेश का विस्तार करने वाले प्रस्ताव 238 को सह प्रायोजित किया है। फिर आपने देखा होगा 1973-72-73 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के प्रवेश हेतु जोरदार समर्थन भी किया था। फिर आप देखेंगे 1977-78 भारत ने UNSC में अफ्रीका का प्रबल समर्थन भी किया, और भारत ने रंगभेद खिलाफ तथा वर्ष 1978 में नाबीबिया की स्वतंत्रता के लिए आवाज भी उठाई थी। काफी अच्छा काम किया है भारत ने। फिर आप देखेंगे 1984-85 में भी चुना गया है। मध्य पूर्व विशेष रूप से फिलिस्तीन और लेबनान में संघर्षों के समाधान हेतु भारत ने UNSC में आवाज उठाई थी। फिर आपने देखा होगा 1991-92 में, ये आपका है 6वीं बार, भारत ने UNSC की पहली शिखर बैठक में भाग लिया और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में UNSC की भूमिका के महत्व को रेखांकित भी किया। फिर आपने देखा होगा 2011-12 में, वर्ष 2011-12 के कार्यकाल के दौरान भारत में ने विकासशील देशों के मुद्दों के साथ साथ शांति व्यवस्था, आतंकवाद पर नियंत्रण और अफ्रीका आदि से संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाई, और भारत की अध्यक्षता के दौरान UNSC द्वारा सीरिया पर पहली बार बयान जारी किया गया था। तो पहली बार आप देखेंगे 1950-51, दूसरी बार 1967-68, फिर तीसरी बार आप 1972-73, फिर आप चौथी बार 1977 से 78,
फिर पांचवी बार आप देखेंगे 1984 से 85, और छठवीं बार 1991 से 92, और सातवीं बार 2011 से 2012, और आठवीं बार 2021 से 22। इन्हें सबको याद रखिए। आपका वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, या आपसे इंटरव्यू कहीं भी क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं। वर्ष 2011 बारे में, अपने कार्यकाल के दौरान भारत ने आतंकवाद पर नियंत्रण से संबंधित UNSC 1373 समिति, आतंकवादी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे से संबंधित 1566 वर्किंग ग्रुप, सोमालिया और इटिया से संबंधित सुरक्षा परिषद 751, 1907 समिति की अध्यक्षता भी की थी। वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, आतंकवाद से ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले अमेरिका भी नहीं जानता था, अमेरिका मानता ही नहीं था कि कोई आतंकवादी, कोई घटनाएं होती है, आतंकवादी होते हैं, लेकिन जब अपने आप पर गुजरी तब मालूम चला कि हाँ, आतंकवादी होते हैं। तो समझिए, आप लोग समझते नहीं, कहते नहीं कि दूसरे की प्रॉब्लम हमें समस्या मजाक लगती है, जब वही समस्या हमारे ऊपर गुजरती है तब हमें मालूम चलता है कि आखिर ये समस्या भी होती है। तब अमेरिका ने जाके मालूम चला और समझा कि आतंकवाद भी होता है, और पूरी दुनिया प्रभावित है, ऐसे ऐसा कोई देश नहीं आप समझ सकते। हम तो देखिए, आप लोग आए दिन आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते रहते हैं आतंकवादी, और हर देश में आपको, आप लोग अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान खुद चले जाइए, ईरान चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप लोग यही मालूम नहीं रहता है कि सुबह आप ऑफिस से निकले घर पहुंच रहे हैं या नहीं, या घर से ऑफिस निकल रहे हैं, घर से ऑफिस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं कहाँ गोला फट जाए, इतना डर है वहां। तो कम से कम हमारे देश में तो आप देखते होंगे कि हम लोग शांति से रह रहे हैं, शांति से ऑफिस में भी पहुंच जाते हैं और घर भी पहुंच जाते हैं, और डर भी कम रहता है। वर्ष 1996 में भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभी समय CCIT का मसौदा तैयार करने की पहल भी की, और भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को अलकायदा, ISIS और संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं से संबंधित UNSC की 1267, इस संधि को आप याद रखिए, 1267 जो प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने के लिए UNSC में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया होगा। याद रहे कि यह मामला वर्ष 2009 से लंबित था। एक बात आपको याद होनी चाहिए कि आपने देखा होगा, मैंने बोला है ना कि जो गेटो की शक्ति होती है, जब हम लोग मसूद अजहर की बात करते थे इस सूची में डालने की, इस शब्दी में डालने की, सूचीबद्ध करने की, तो चाइना क्या करता था, वीटो कर देता था, और वो रद्द हो जाता था, प्रस्ताव हम लोग जो प्रस्ताव लेकर आते थे वो रद्द हो जाता था। लेकिन बाद में आप काफी टाइम बाद आप देखेंगे, ये 2009 से चल रहा था और मई आप 2019 में देखते हैं कि ये पास हो पाया, जब लगा चाइना को कि अब हम इससे ज्यादा लटका नहीं सकते हैं, एक तरह से प्रेशर दबाव चारों तरफ से था, तब जाके हामी भरी किसने, चाइना ने, ठीक है। तो ये इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका दो दो साल का होता है, 2 साल के बाद इनका निपट जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं UNSC में भारत की चुनौतियां क्या है आखिर, तो चीन की चुनौती, भारत ऐसे समय में UNSC में प्रवेश कर रहा है जब चीन वैश्विक स्तर पर स्वयं को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में चीन संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 6 संगठनों का नेतृत्व करता है, और इसने कई मौकों पर वैश्विक नियमों को चुनौती भी दी है। 2020 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ भारत चीन सीमा पर वर्ष भर चीन का आक्रामक व्यवहार देखने को मिला है। आप लोगों ने देखा है ना, लद्दाख वाले रीजन में देख लीजिए, सिक्किम वाले, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देख लीजिए, लद्दाख वाले रीजन में तो बहुत अभी देख रहे हैं आप लोग कि कितने टाइम से एक तरह से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है, टकराव भी हुआ था जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे, ठीक है। चीन ने UNSC में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की है। हम लोगों ने जब 370 हटाई, और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तब आपने देखा है कि चाइना ने इस पर कोशिश की कि इसे UN के मुद्दे में उठाया जाए,
ठीक है। COVID-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी अस्थिरता की स्थिति से गुजर रही है और कई देश स्वास्थ्य आपातकाल का सामना भी कर रहे हैं, और इन सभी स्थितियों को संभालने और विश्व को इस चुनौती से बाहर निकालने के लिए एक सुविचारित रणनीति की आवश्यकता है। अमेरिका, रूस और अस्थिर पश्चिम एशिया के बीच संतुलन की अगर बात करें हम लोग, तो अमेरिका और रूस के बिगड़ते संबंधों तथा अमेरिका एवं ईरान के बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए स्थितियों का संभालना कठिन होगा। ऐसे में भारत द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान और राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करते हुए एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अमेरिका क्या है, कि अमेरिका एक तरह से फर्स्ट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने आप समझिए दुनिया को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका जो शक्तिशाली अमेरिका था उसकी एक तरह से जो प्रतिष्ठा थी उसे काफी हद तक गिराया है। ईरान देख लीजिए, ईरान में आपने देखा होगा कि बराक ओबामा के समय एक डील की गई है, न्यूक्लियर डील, और आप देखिए इन्होंने रद्द करके उसे अलग धड़ कर दिया है। अब ये देखने आने वाले समय में देखिए जो बाइडेन क्या करते हैं, ईरान को फिर से भरोसे में ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में वैसे आपको कुछ पॉइंट बता चुका हूं, फिर भी आप लोग जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य 6 मुख्य अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई। UNSC की संरचना की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में है। इस अनुच्छेद को आर्टिकल को भी याद रख सकते हैं आप लोग। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। इसके उद्देश्य को भी आप लोग याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिश करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है। और स्थायी और अस्थायी सदस्यों की बात करें तो UNSC का गठन 15 सदस्यों, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, द्वारा किया गया है। और आप सभी को मालूम है कि इसमें सुधार करने की बात की जा रही है, स्थायी सदस्य जो 5 हैं इससे बढ़ाने की बात भी की जा रही है, भारत को भी सम्मिलित करने की बात की जा रही है। भारत हमेशा मुद्दा उठाता भी रहता है। ठीक है, अगर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है। ठीक है, याद रहे कि इन स्थायी सदस्यों देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है, जिस तरह से भारत को किया गया है। 10 गैर अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीका देशों से होते हैं। इसमें जो अस्थायी सदस्यों की बात कर रहा हूँ, इनमें 5 सदस्य आपके एशियाई फिर अफ्रीकी देशों से होते हैं, 2 आपके देखेंगे दक्षिणी अमेरिकी देशों से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, भारत UNSC में एक स्थायी सीट की वकालत भी करता रहा है और कर भी रहा है। भारत जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान आदि सभी प्रमाणों पर खरा भी उतरता है। तो यही कहानी है आपकी, किसकी, जो सुरक्षा परिषद है UN की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसी की कहानी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई पॉइंट आपका नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही करंट का टॉपिक है और भारत 21 में शामिल हो भी गया है और आप नए साल में भी आ चुके हैं, तो इसके बारे में जरूर याद रखिए सब कुछ। ठीक